गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. बच्चे, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो. एंड विद दिस ब्यूटिफुल स्माइल, लेट्स स्टार्ट आवर स्टडीज. चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट फिफ्थ चैप्टर ऑफ योर रीडर बुक, लिटिल थिंग्स, अ पोएम रिटन बाय जूलिया ए काने, एन अमेरिकन पोएटेस. शी रोट मेनी रिमार्केबल पोएम्स एंड लिटिल थिंग्स इज वन ऑफ देम. दिस पोएम इज गिवन ऑन पेज नंबर 29 ऑफ योर रीडर बुक. स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, आई वॉन्ट टू शो यू अ पिक्चर. लेट्स सी. नाउ चिल्ड्रन, सी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द अर्थ. ये अर्थ की पिक्चर है. और बच्चे, ये बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, और हमें इसे ब्यूटीफुल ही बना के रखना है. ये बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी है बच्चे, छोटे छोटे रेत के, मिट्टी के कणों से मिलकर. कण मीन्स बच्चे स्मॉल पार्टिकल्स, सैंड और मिट्टी के स्मॉल पार्टिकल्स, बिल्कुल छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उनसे मिलकर बनी है. और हम इसे सुंदर कैसे बनाकर रख सकते हैं बच्चे, ये आज हम पोएम में पढ़ेंगे. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू अ वार्म अप एक्टिविटी. लेट्स स्टार्ट. सर्कल विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स डोंट मेक अ वर्ल्ड ब्यूटीफुल. ये देखो, नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. ये थिंग्स के पिक्चर्स हैं, ठीक है. हमने इनमें से उनको सर्कल करना है जिनसे हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा वर्ल्ड, हमारी जो अर्थ है वो डर्टी होती है. ओके, हमारी अर्थ को जो गंदा करते हैं उनको सर्कल करना है. अ फ्लावर, फ्लावर्स तो बहुत सुंदर होते हैं, वो तो कभी भी गंदा नहीं कर सकते हमारी अर्थ को, उनसे तो हमारी अर्थ और सुंदर हो जाती है. रिवर, रिवर, रिवर भी बहुत सुंदर होती है, वो भी हमारी अर्थ को अच्छा बनाती है, सुंदर बनाती है. माउंटेन्स, माउंटेन्स तो बहुत ही सुंदर होते हैं और वो हमारी अर्थ को बहुत सुंदर बना देते हैं और ब्यूटीफुल बना देते हैं. स्मोक फ्रॉम चिमनी, बच्चे फैक्ट्रीज में जब कुछ प्रोडक्शन होती है, कुछ बनता है, तब ये चिमनीज में से स्मोक निकलता है और ये स्मोक हमारे एनवायरनमेंट को डर्टी कर देता है, ठीक है. तो इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो गंदा हो जाता है, हमारी अर्थ गंदी हो जाती है ना, तो हम यहाँ पर सर्कल करेंगे. ओके, आप अपनी बुक में ऐसे यहाँ पर सर्कल करना. ओके, नाउ न्यू वर्ड्स ऑफ द चैप्टर. माइटी, MIGHTY. माइटी, माइटी मीन्स ह्यूज, ह्यूज मीन्स बड़ा, विशाल. डीड्स, DEEDS. डीड्स मीन्स वर्क, काम, एक्शन, जो भी आप काम करते हैं. ग्रेन्स, GRAINS. ग्रेन्स, ग्रेन्स मीन्स स्मॉल हार्ड सीड्स, छोटे छोटे हार्ड जो बीज होते हैं. पर बच्चे, यहाँ पोयम में हम छोटे छोटे सैंड, रेत के कणों की बात कर रहे हैं, मिट्टी के कणों की बात कर रहे हैं, जिनसे मिलकर हमारी अर्थ बनती है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यू विल राइट दीज न्यू वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक. Now children, I will read the poem and you will also read with me. Okay? Little drops of water. Little grains of sand. Make the mighty ocean and the pleasant land. Bache, now I will explain the poem. Little drops of water. Drops means बूंदे.
छोटी छोटी बूंदें किसकी? वाटर की। मिलकर क्या बनाती हैं बच्चे? छोटी छोटी पानी की जो बूंदें होती हैं वो क्या बनाती हैं? मेक द माइटी ओशियन। माइटी मीन्स ह्यूज, बड़ा, विशाल। ओशियन, ओशियन मीन्स समुद्र, महासागर। पोएटेस बोल रही हैं कि जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं वो मिलकर एक बड़ा सा विशाल समुद्र बनाती हैं, महासागर बनाती हैं। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, सैंड मीन्स रेत, मिट्टी। ग्रेन्स मीन्स कण, छोटे छोटे जो सैंड के कण होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एंड द प्लेजेंट लैंड। प्लेजेंट मीन्स बच्चे इंजॉयबल, इंजॉयबल लैंड। क्या बनाते हैं? एक ऐसी लैंड जिसके ऊपर हम अच्छे से खुशी खुशी रह सके। तो बच्चे छोटी छोटी पानी की बूंदें और छोटे छोटे जो रेत के कण होते हैं वो मिलकर एक बहुत बड़े महासागर को बनाते हैं और एक अच्छी सी इंजॉयबल लैंड को बनाते हैं, धरती को बनाते हैं, जहां हम खुशी खुशी रह सकें। बच्चे इट मीन्स हर एक छोटी चीज़ की वैल्यू होती है। कोई भी छोटी चीज़ मिलकर बहुत बड़ी चीज़ को बनाती है। ओके, नाउ लेट्स रीड। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक आवर वर्ल्ड एन ईडन लाइक द हेवन अबव। डीड्स मीन्स बच्चे एक्शंस, कोई भी काम जो आप करते हैं। काइंडनेस मीन्स दयालुता वाले, ह्यूमैनिटी वाले काम। जैसे आपके घर के बाहर डॉगी आता है, आप उसको दूध ब्रेड देते हो ना, ऐसे अच्छे काम। ईडन, ईडन मीन्स बच्चे एक ब्यूटीफुल गार्डन है। कहाँ पर है वो गार्डन? हेवन अबव, ऊपर आसमान में, स्वर्ग में। बहुत सुंदर गार्डन है। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस बच्चे ह्यूमैनिटी वाले छोटे छोटे काम और छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, प्यार भरे शब्द, वो हमारे वर्ल्ड को, हमारे इस अर्थ को ईडन गार्डन की तरह सुंदर बना देते हैं। बच्चे जब हम कोई भी अच्छे काम करते हैं या हम अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, जैसे सॉरी, थैंक यू, वेलकम, ये बहुत अच्छे प्यार भरे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इनको बोलने से हमें भी खुशी मिलती है और जिनको हम बोलते हैं उनको भी खुशी मिलती है। तो बच्चे जब हम अच्छे काम करते हैं और अच्छे वर्ड्स बोलते हैं तो उससे सबको खुशी मिलती है और हमारा जो संसार है, हमारा जो वर्ल्ड है, वो भी बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और अच्छे वर्ड्स बोलने चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो ये अर्थ है ये और ब्यूटीफुल हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी, ठीक है। ओके बच्चे, नाउ फन जॉन कॉर्नर गिवन ऑन पेज नंबर 33। पेंट व्हेन इट रेन्स, जब बारिश हो तब पेंटिंग करें। कैन यू पेंट विदाउट अ ब्रश, क्या आप बिना ब्रश के पेंट कर सकते हो बच्चे? यस यू कैन, हाँ बच्चे आप कर सकते हो। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू पेंट विद द हेल्प ऑफ रेन ड्रॉप्स। आप बच्चे रेन ड्रॉप्स की हेल्प से पेंटिंग कर सकते हो। कैसे? अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी, उनको फॉलो करके। ओके, नाउ स्टेप्स आर, टेक अ फ्यू लम्प्स ऑफ ड्राई पोस्टर कलर्स। आपने बच्चे ड्राई पोस्टर कलर्स लेने हैं, उनके लम्प्स, लम्प्स मीन्स बिग पीसेस, ठीक है। ब्रेक द लम्प्स इंटू स्मॉल पीसेस, और उन लम्प्स को जो बिग पीसेस हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना है। और पाउडर, या फिर आप पाउडर भी बना सकते हैं। एंड प्लेस देम ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर एंड कीप द पेपर इन अ ट्रे।
आपने क्या करना है फिर बच्चे, एक ट्रे लेनी है, ट्रे के ऊपर प्लेन वाइट शीट, पेपर शीट अच्छे से रखनी है और उसके ऊपर उस पाउडर को अच्छे से स्प्रिंकल कर देना है। जो छोटे छोटे पीसेस हैं कलर्स के, उनको आपने स्प्रिंकल कर देना है। व्हेन इट इज़ रेनिंग प्लेस द ट्रे इन द ओपन, और उसके बाद जब बारिश हो तब आपने उस ट्रे को बारिश में रख देना है थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद जल्दी से वहाँ से उठा लेना है। ड्राई योर रेन पेंटिंग, और उसके बाद उस जो पेपर शीट है उस पेपर शीट को आपने ड्राई होने के लिए रख देना है और आपकी पेंटिंग रेडी हो जाएगी ड्राई होने के बाद। नाउ देयर इज अ स्पेशल नोट फॉर यू, इफ यू डोंट वॉन्ट टू वेट फॉर द रेन, बच्चे अगर आप रेन का वेट नहीं करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो स्प्रिंकल वाटर फ्रॉम अबव फॉर अ सिमिलर रिजल्ट। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे, पेपर शीट के ऊपर अपने हैंड से वाटर लेकर स्प्रिंकल कर सकते हैं, आपको वैसी ही पेंटिंग मिल जाएगी, ठीक है, ड्राई होने के बाद। ओके, है ना इजी बेटे, तो आप ट्राई करेंगे, चलिए लेट्स ट्राई, आज हम पेंटिंग करते हैं, ठीक है, चलिए। नाउ स्टूडेंट्स सी, दीज आर वाटर कलर्स, ये देखिए वाटर कलर्स हैं, ये अभी ड्राई हैं, ओके, राउंड शेप में। यू कैन टेक एनी पोस्टर कलर्स ऑल्सो, कोई भी ड्राई कलर्स आप ले सकते हैं, ओके। आई हैव टेकन ग्रीन कलर फ्रॉम हेयर एंड पिंक कलर फ्रॉम हेयर। अब ये देखिए मैंने पिंक कलर का पाउडर बनाया है, इसको ग्राइंड करके यहाँ पे ग्रीन कलर का पाउडर बनाया है। ये रेड ब्लू और येलो मेरे पास पहले से थे, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल स्प्रिंकल दीज कलर्स ऑन दिस पेपर शीट। अब ये देखिए रेड कलर, ओके, लाइक दिस, यू विल स्प्रिंकल लाइक दिस। अब ये देखिए पिंक कलर, ओके, नाउ ब्लू कलर, ये मेरे पास पहले से था, नाउ येलो कलर, बहुत सुंदर लगेगा। नाउ ग्रीन कलर, ओके, थोड़ा सा रेड कलर और डाल देते हैं, ओके, इट वुड लुक वेरी ब्यूटीफुल देन। अब स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे मैंने वाटर रखा हुआ है, हम यहाँ से हैंड से वाटर लेके इसके ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, ओके, बट टुडे इज अ रेनी डे, तो हम क्या करेंगे, हम रेन में ही ले जाएंगे इसे बाहर, ओके। नाउ स्टूडेंट्स वी विल कीप दिस ट्रे इन द रेन, ओके, स्टूडेंट्स हम इसे जल्दी से उठा लेंगे, ओके। नाउ स्टूडेंट्स सी व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, हमने बारिश में रखा था इसको, ओके, और उसके बाद हमने इसे वहां से जल्दी से उठा लिया और ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। अब देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग बन गई है, रेन पेंटिंग, ओके, यू विल डू प्रैक्टिस लाइक दिस, आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे पेंटिंग बनाएंगे, ओके, एंड यू विल शो मी। नाउ वोकैबुलरी, जॉय, जे ओ वाई, जॉय, जॉय मीन्स खुशी, जे ओ के ई आर, जोकर, जोकर मीन्स क्लाउन, आपने सर्कस में टेलीविजन में देखा है ना जोकर, जो में हंसाता है। जेलस, जे ई ए एल ओ यू एस, जेलस, जेलस मीन्स ईर्ष्या, जलन, बैड फीलिंग्स। ज्वेलरी,
JEWELLERY, ज्वेलरी। ज्वेलरी मीन्स गहने, आभूषण। बच्चे आपकी मम्मा पहनती है ना बैंगल्स, इयररिंग्स, नेकलेस, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ज्वेलरी। नाउ स्टूडेंट्स, यू विल राइट दीज वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक। एडवाइजरी वर्क इज राइट न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग अलोंग विद वोकैबुलरी वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।